अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फराशाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुबई के बदलते मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे, और स्पेशली ये वीडियो जिस बारे में है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक, देन यू विल कम टू नो कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ और दुबई की कौन सी ऐसी साइड है जिसको मैं कवर करने जा रही हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई होप यू विल लाइक इट एंड कमेंट बिलो कि आप जो है अपने इस त्यौहार को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्या ऐसा स्पेशल कर रहे हैं आप, और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ पे ये सेलिब्रेशन कैसे की जाती है। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अ वेरी ब्यूटिफुल साइड ऑफ दुबई विच इज़ बर्थ दुबई विच इज़ वेरी फेमस, और बहुत रौनक मेला होता है यहाँ पर, पीपल लव टू गो देयर। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे जो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, जो आपके त्यौहारों में शरीक होते हैं। दरअसल ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये किसी मज़हब के मोहताज नहीं होते, ये तो एक दूसरे से रबते का, एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार का ज़रिया होते हैं। इसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, गले शिकवे अगर हों तो उन्हें दूर कर देते हैं और हंसी खुशी एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं और कभी किसी से कुछ फरमाइश करके खाते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने भी बर्दुबई में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमने बहुत ज़्यादा रौनक एंजॉय की। और आज मैंने बर्दुबई की एक और साइड जो थी वो नोटिस की, एक तो ये कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर हैं तो यू आर वेरी लकी कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं वहाँ, और आपको कोई इवेंट आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, आप उसको अपनी फैमिली के साथ जिस तरह से चाहें आप उसको एंजॉय करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बैचलर्स भी मैंने वहाँ पर देखे, जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, परदेस काट रहे हैं और परदेस में पैसा कमा रहे हैं, पीछे छोड़ आने वाली फैमिलीज़ की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो ये भी एक पहलू है दुबई का, यहाँ पर रहने वाले परदेसियों का। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, और इस तरह के जो त्यौहार हैं इन पे आप अपनों को कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं, और अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप उनको कॉल करें, आप उनको गिफ्ट भेज सकते हैं। प्यार मोहब्बत का इजहार किसी त्यौहार का भी मोहताज नहीं है, वो तो आप किसी को एक फूल देकर और एक खूबसूरत सी स्माइल देकर भी खुश कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों के साथ जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें, अपने दोस्त यारों के साथ एंजॉय करें। हम भी आप अपनी फैमिली के साथ आज बाहर गए गैदरिंग पे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, भरपूर तरीके से हमने दिवाली को देखा, वहाँ पे लोगों की एक्साइटमेंट देखी, सब ने जो अपनी पसंद से जो शॉपिंग की जा रही थी, जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें ख़रीदी जा रही थी, वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हम सब लुत्फानंदोज़ हुए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ पर लोगों की गहमा गहमी बहुत थी। इसके साथ ही फिर हमने सोचा कि अगर हम इतना खूबसूरत त्यौहार देखने आए ही हैं तो फिर खाने भी फिर ऐसे ही होने चाहिए जो मौके की मुनासबत से हों। तो फिर हमने गर्मा गर्म समोसे, राज कचौरी और डोसा और इस तरह की जो है चीज़ें आज हमने ट्राई की, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगेन इफ़ यू आर विद योर फैमिली और ऐसा कोई इवेंट आए तो यू आर लकी कि आपके प्यारे आपके साथ हैं, आपके बड़े, आपके बच्चे, ख़ासतौर पर बच्चे जब पटाखे चलाते हैं और कि जिस तरह से वो इन त्यौहारों को इंजॉय करते हैं, यही उनकी यादें हैं जिनको वो आगे जाके याद करें। डिफरेंट वैरायटी ऑफ दिवाली की जो एक्सेसरीज थी उनके साथ साथ, लाइटिंग खूबसूरत थी, देख के मज़ा आया सब कुछ। तो मज़हब कोई भी हो, त्यौहार सबके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, एंड वी ऑल वैल्यू ईच अदर्स इवेंट्स। ये जो गुज़र रहा है ये वक्त नहीं है, ये ज़िंदगी है, इसकी कदर करें, अपने साथ जो रिश्ते जुड़े हैं उनकी कदर करें, उनके लिए आसानियां करें, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे, किसी के साथ आसानी करेंगे, तो वापस लौटकर आप ही के पास आएगी, आपकी ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत होगी। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट बिलो,
कि आपने अपना ये त्यौहार कैसे गुजारा। टेक केयर।